गुड मॉर्निंग और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैंने ये दुर्गा पूजा मेकअप लुक शेयर किया है। तो यहाँ पे मैंने ये स्प्रे यूज़ किया है जो घर का ही बना हुआ है, तो मेरा इससे फेस काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये प्राइमर यूज़ किया है, प्राइमर को मैं अच्छे से फेस पर लगा लूँगी। और उस आज मैं मेकअप आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी। वैसे मैंने पहले कभी नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो कुछ नया ट्राई करना चाहिए। जो नहीं आता तो उसको तो ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए भाई, नहीं आता और कोशिश करेंगे तभी आएगा। और बताइए मेरी कोशिश अच्छी रही कि नहीं, वीडियो पे पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरी कोशिश अच्छी थी कि नहीं। और मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर मैंने अच्छे से लगाया है क्योंकि मेरे को काफ़ी डार्क सर्कल हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं अपनी आईब्रो को डिफाइंड कर लूँगी। तो मेरे को ज़्यादा आईब्रो सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरी आईब्रो पहले से ही काफ़ी डार्क हैं, तो मैं यहाँ पे आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और इस ब्रश की मदद से जो भी एक्स्ट्रा होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। और गाइज आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्योंकि भाई मुझे ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता है, तो आप लोग बताएंगे तभी पता चलेगा, ताकि मैं अगली बार अच्छे से और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और भाई अच्छा ना हो तो भी डिसलाइक मत करिएगा, लाइक करिए भाई, लाइक करने से मुझे अच्छा हौसला मिलेगा ताकि मैं अगली वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने यहाँ पर पहले आई शेडो यूज़ किया था, आई शेडो मैंने पिंक कलर, डार्क पिंक कलर लिया है। और उसके बाद मैं फिर ये आईलाइनर लगा लूँगी। और मैंने आईलाइनर लगाने से पहले यहाँ पे आई मेकअप करने से पहले ही मैंने टेप को यूज़ किया क्योंकि मुझे अच्छे से भी नहीं आता है, तो जिनको नहीं आता तो उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है, टेप लगा के अच्छे से आप आईलाइनर लगाइए तो इधर उधर ज़्यादा नहीं फैलता है। तो मैं काजल भी लगा लूँगी। काजल अच्छे से लगाने के बाद तो फिर मैं अपना फेस मेकअप करूँगी। तो मैं फाउंडेशन लगाऊँगी, फाउंडेशन को मैं डॉट डॉट करके फिर अच्छे से अपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि ज़्यादा ऐसा ना लगे कि कहीं पैची सा ना लगे मेरी स्किन, अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। और मैं अपने नेक एरिया और ईयर में भी अच्छे से लगाऊंगी ताकि मेरी नेक और ईयर सब इवन लगे, मेरा फेस मेकअप और नेक का एरिया अलग नहीं लगना चाहिए। और उसके बाद मैं अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लूँगी। और मैं यहाँ ब्लश नहीं लगाई हूँ, उसकी जगह मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। मुझे जहाँ जहाँ हाइलाइटर चाहिए वहीं मैं लगा रही हूँ, जहाँ मुझे थोड़ा सा हाइलाइटर लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है सभी को अच्छा लगता होगा हाइलाइटर लगाना। तो और उसके बाद मैं मस्कारा लगाना आई मेकअप करते समय भूल गई थी, तो मैं अभी लगा रही हूँ। और ये मेरा आई मेकअप और फेस मेकअप भी हो गया अच्छे से। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिप को पहले आउटलाइन कर लूँगी पहले अच्छे से, लिपस्टिक लगाने से पहले। आउटलाइन करने के बाद फिर मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगाऊँगी। रेड कलर की लिपस्टिक मेरी फेवरेट कलर है, रेड कलर मेरा। और जहाँ तक मुझे पता है कई लोगों का रेड कलर तो फेवरेट होगा,
तो ये हो गया। और यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ दोबारा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फेक आईलैशेस लगाई हैं। और उसके बाद मैं ये बिंदी लगा लूँगी और फिर उस पर कुमकुम भी लगाऊँगी। तो बताइएगा कैसा लगा। और सिंदूर लगाना भूल गई थी, तो सिंदूर भी मैं लगाती हूँ, तो सिंदूर भी लगाऊँगी, तभी मेरा पूरा लुक कंप्लीट होगा। तो ये सिंदूर लगाने के बाद मेरा ये है फाइनल लुक। तो बताइए कैसा रहा ये लुक मेरा, आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा दुर्गा पूजा मेकअप लुक। अच्छा लगा हो तो गाइस ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि मैं इसी तरीके से रोज़ नई वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो बस, और बगल में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस करना ना भूलिए।